अभी हम लोग सूरत भवन में स्टे कर रहे हैं। ये सामने आपका रेस्टोरेंट एरिया हो गया, यहाँ पर बैठ के खा सकते हैं थाली सिस्टम, जो कि आप देख सकते हैं गैलरी का पूरा टोटली बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। ये सामने हो गया रिसेप्शन एरिया, यहाँ पे आपका वेटिंग एरिया हो गया, यहाँ पे बैठ के आप वेट कर सकते हैं। अभी हम लोग जिस होटल में रुके हैं वहाँ का दिखाते हैं आपको व्यू, किस टाइप का हमारा होटल है, कितना टैरिफ हम लोग ने पे किया है और किस टाइप का रूम है, वो सब आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। अभी हम लोग सूरत भवन में स्टे कर रहे हैं, ये एक सूरत भवन धर्मशाला है, वृंदावन रोड के अंदर आता है। आप देख सकते हैं सूरत भवन सामने से लिख रहा है और ये ऊपर श्री श्याम अखंड ज्योति सेवा समिति, ये जो सूरत भवन है ट्रस्ट का है। और बाहर से इस टाइप का व्यू दिखता है, ये आपका श्री श्याम अखंड ज्योति सेवा समिति सूरत, सामने एंट्रेंस गेट है, अंदर हम लोग चलते हैं। ये सामने सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है बाहर रूम के लिए। ये सामने आपका रेस्टोरेंट एरिया हो गया, यहाँ पर बैठ के खा सकते हैं, थाली सिस्टम यहाँ पे अवेलेबल है, 100 रुपये पर थाली मिलता है, सुबह से दोपहर शाम तीनों टाइम आपको यहाँ पे थाली अवेलेबल मिल जाएगा। ओवरऑल ये इस धर्मशाला का छोटा सा भोजनालय टाइप का, यहाँ पे सब जगह AC लगा हुआ है। ये आपका श्याम रसोई, यहाँ पे थाली जो भी प्रिपेयर होता है ये सामने होता है प्रिपेयर, और यहाँ से खिड़की से ही आता है थाली, आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे सीटिंग एरिया टोटल आपको 40 से 50 लोगों के लिए सीटिंग कैपेसिटी है यहाँ पे, और ठंडा पानी के लिए यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ से पी सकते हैं पानी आप। ये सामने हो गया रिसेप्शन एरिया, यहाँ पे आपका वेटिंग एरिया हो गया, यहाँ पे बैठ के आप वेट कर सकते हैं जब तक आपको रूम की मिल जाती है। किसी को आना है मेरा वीडियो देख के तो कैसे होके आएंगे? ये वृंदावन HP का पेट्रोल पंप है, तोरण द्वार के आगे HP का पेट्रोल पंप है। हाँ, वृंदावन वाली गली में अंदर सूरत भवन। हाँ। और ये कितना अभी चेकआउट चेकिंग टाइम क्या होता है? चेकआउट टाइम है 10 बजे से 11 बजे के बीच में। अच्छा। हाँ। और रूम के जितना भी रेंट है वो 1500 फोर बेड का। अच्छा। हाँ। डबल बेड आती है डिलक्स 1000 है। अच्छा। 5 मेंबर्स के लिए 1800 रुपये है। 5 मेंबर के लिए 1800 रुपये है। यहाँ पे सामने जितने भी बोर्ड लिखे हुए हैं टोटल आपको 15 से 20 इनका संस्थान चलता है खाटू श्याम जी के नगरी में, आप देख सकते हैं। रूम का व्यू देखने के लिए हम लोग ऊपर चलते हैं। आपके सामने लिफ्ट लगा हुआ है, लिफ्ट से आप टोटल 5 फ्लोर यहाँ पे, 5 फ्लोर पे रूम है, हम लोग की रूम जो है 4 फ्लोर पे है। रूम को भी थोड़ा दिखाते हैं आप लोगों को। ये आपका गैलरी एरिया हो गया, यहाँ पे सारे रूम्स है, आप देख सकते हैं चारों तरफ से। और ये हम लोग का रूम नंबर 408 है। ये आपका मेन गेट, इस गेट से आप अंदर रूम में आइएगा। ये सामने आपको बाथरूम हो गया, और हर रूम में यहाँ पे आपको मिरर लगा हुआ है, यहाँ पे कंघी से बाल बाल झाड़ सकते हैं, रेडी वेडी हो सकते इस रूम का। ये बाथरूम है, यहाँ पे वॉश मशीन लगा हुआ है, यहाँ पे आपको वेस्टर्न स्टाइल का वॉशरूम मिल जाएगा, सामने नल, ये सामने गीजर लगा हुआ है। ओवरऑल ये चारों तरफ से बाथरूम का व्यू है। हर एक रूम में स्मार्ट टीवी है, और यहाँ पे सनटेक का टीवी लगा हुआ है, यहाँ पे आपको चार्जिंग केबल के लिए यहाँ पे स्विच दे रखा है, और चारों तरफ से पूरा लाइट वाइट है, रूम एकदम झकझक कर रहा है। ये सामने आपको हर रूम में एक एक वोल्टेज का AC दिया हुआ है, और सामने राधा कृष्ण जी का मूर्ति लगा हुआ है। यहाँ पे सामने आपको घड़ी देख सकते हैं, यहाँ पे रखने उठने के लिए आपको डेस्क दिया गया है, और सामने स्विच है। हम लोग को ये 4 बेड का रूम है, 4 बेड का 2 रूम हमने लिया था, और डिलक्स रूम जिसमें 2 लोग आराम से आ सके वो लिया था। इस रूम का मुझे पड़ा है 1600 रुपये एक रूम का। ऐसा 2 रूम लिया जिसके लिए 3200 और डिलक्स रूम के लिए 800, टोटल 4000 पर डे का हम लोग का रेंट जा रहा है, ठीक है। और ये हो गया वार्डरोब,
वार्ड्रोप हो गया। यहाँ पे एक्स्ट्रा कम्बल दिया हुआ है, ठीक है, दो कम्बल तो देते ही हैं प्लस एक्स्ट्रा कम्बल अंदर रखा रहता है, जैसा ज़रूरत वैसे आप ले सकते हैं। और सामने यहाँ पे कपड़ों पर रखने के लिए ड्रॉवर दिया हुआ है, यहाँ पे डोरमेट भी दिए रखा है। और सामने से गैलरी का व्यू जो कि आप देख सकते हैं, गैलरी का पूरा टोटली बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। यहाँ पे आप बैठ के नज़ारा मार सकते हैं। और इस रूम को क्या कहते हैं, चेकआउट करने का टाइम आ चुका है। अब इस रूम को चेकआउट करके यहाँ से निकल रहे हैं। कितना प्यारा लगा है बाहर से, बहुत सारे आपको प्यारे प्यारे बिल्डिंग, जितने भी सारे होटल यहाँ से दूर से आपको दिख रहा है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। देख सकते हैं यहाँ खाटू श्याम का कुछ प्यारा सा नज़ारा। ये हम लोग डिलक्स रूम में, सामने वोल्टाज का एसी लगा हुआ है, ये हमारा राधा कृष्ण जी का मूर्ति। और ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट रूम है डिलक्स रूम, जिसका हम लोगों ने टैरिफ 800 रुपये पे किया है। सामने आपको मिरर लगा हुआ है। और ये छोटा सा गैलरी व्यू बाहर से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको स्मार्ट टीवी भी लगा हुआ है। और यहाँ पे हम लोग का सारा लगेज। टूर कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और इस होटल का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर छोड़ दूंगा, नंबर पिन कर दूंगा, आप लोग यहाँ आके नंबर पे कॉल करके बुक कर सकते हैं। और नहीं बुक कर सकते, नहीं तो दूसरा यात्रा धाम पे भी इसको बुक कर सकते हैं, ठीक है। इस वीडियो में बने रख लिए, धन्यवाद।